बचपन में बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनी हैं जिनमें परियों के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, और कहीं कहीं पर ये जिक्र भी आया है कि जो परियाँ होती हैं वो स्वर्ग में रहती हैं। और दोस्तों देखो कितना ये अजीब इत्तेफाक है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश हम भारत में रहते हैं, उस देश में एक जगह है कश्मीर, हमारे देश का एक राज्य कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, श्रीनगर की हंसी वादियों में एक जगह है जिसे परी महल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम उसी परी महल में जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या सच में परियाँ रहा करती थी या आज भी वहाँ परी रहती हैं, वहाँ से जुड़ी क्या किस्से कहानियाँ हैं, क्यों इस जगह का नाम परी महल रखा गया है। तो दोस्तों आज हम उसी परी महल में चल रहे हैं और साथ के साथ वहाँ से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। इस समय हम आ चुके हैं परी महल के अंदर और अब आपको दिखाने वाले हैं परी महल की खूबसूरती। दोस्तों ये यहाँ से पूरे डल लेक का व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रही है डल लेक। पानी में चलते हुए शिकारे दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक डल लेक फैली हुई है और श्रीनगर का भी व्यू देख सकते हैं, यहाँ से श्रीनगर दिखाई दे रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये देखो खूबसूरत फूल, कौन सा फूल है पता नहीं, अली हक है, अली हक इस फूल का नाम है अली हक। वाह कितनी खूबसूरत जगह है, मुगल बादशाहों की एक और बेमिसाल इमारत परी महल। मैं पता चुकू इस पेड़ की कटिंग देखो क्या खूबसूरत है, किस शेप में बनाया हुआ है, शानदार। नो एंट्री, चलो आप नीचे नीचे चलते हैं, आ जाओ। अरे अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है, लगता है कुछ अंदर बेसमेंट में भी बना हुआ है। सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा नीचे, आओ मेरे साथ साथ आओ। अरे वाह, मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है ये परी महल, श्रीनगर में परी महल। यहाँ से व्यू देखो, अरे देखो यहाँ पर चेरी लगी हुई है, पूरा का पूरा पेड़ चेरी से लदा हुआ। अगर फ्रेंड्स ये पकी हुई थी तो शायद हम तोड़ के खा भी लेते। ये देखो दोस्तों, अरे वाह देखो कितनी चेरी पकी हुई है, लेकिन वहां तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। गोल्फ कोर्स दिखाई दे रहा है, डल लेक दिखाई दे रही है, पानी में चलते हुए शिकारे, पूरा श्रीनगर यहां से आप देख सकते हैं परी महल से। चलिए आप वापस दूसरी तरफ बढ़ते हैं, यहां से और सीढ़ियां हैं नीचे की तरफ जा रही हैं। अभी और नीचे जाना है, चलो दोस्तों। अब तक हमने सिर्फ सुना ही था कि परियां भी होती हैं, आज हम परियों के महल में घूम रहे हैं, श्रीनगर के अंदर मुगल बादशाह द्वारा बनवाया हुआ परी महल। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जीते जी परी का महल देख रहे हैं। दोस्तों परी महल में आए हुए हमें लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी परी नज़र नहीं आई। हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही परी नज़र आए हम उससे मिलें, उसको अपने चैनल पर दिखाएं और साथ ही उसका इंटरव्यू भी लगें, ताकि आपको भी इस परी महल में परी के दर्शन हो सकें। और दोस्तों ये फ्लोर हमें नज़र आ रहे हैं ऊपर, देखिए हो सकता है परी इसमें रहती हो, तो कोशिश हम ये करेंगे कि इसमें भी अंदर जाएं, ऊपर जाएं, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई परी हमें नहीं मिली है।
तो बने रहिए हमारे चैनल राइडिंग दिल से में, और हमारी तलाश जारी है एडी और मेरी परियों के लिए। अभी हमें एक और फ्लोर ऊपर जाना है। सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां, स्लाइड लगी हुई है। ये देखे दोस्त, मेहराबें किस तरीके से बनी हुई हैं, तिरछी। फिर से एक और फ्लोर। माँ साहब फिर से रोमांटिक हो गए हैं। अब यहां से देखेंगे पूरे डल लेक का व्यू। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और सामने मुझे डल लेक दिखाई देनी शुरू हो गई है। परी महल का टॉप फ्लोर। विद्वानों के बीच बहस है परी महल के नाम को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि दारा शिकोह की पत्नी परी बेगम के नाम पर इस स्थान का नाम परी महल रखा गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान का नाम मूल रूप से पीर महल था। इस जगह को पीर महल के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे इस पीर महल को परी महल के रूप में बोला जाने लगा और इस तरीके से इस जगह का नाम परी महल पड़ गया। लेकिन वास्तविकता क्या है इसको लेकर आज भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। फिर भी इस स्थान को परी महल के नाम से जाना जाता है। जगह बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें 7 फ्लोर बने हुए हैं और 7 फ्लोर पर ऊपर आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। खूबसूरती इतनी है कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। नज़ारा इतना बेहतरीन कि यहाँ से आप डल झील पूरी देख सकते हैं। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से झेलम रिवर भी दिखाई देती है। सर्दियों में यहाँ का मौसम और भी सुहाना हो जाता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ होती है। मतलब आप किसी भी मौसम में यहाँ आ सकते हैं, खूबसूरती इसकी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ये परी महल अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।